चलिए हम लोग मालूम करते हैं कि इस बार सीबीएसई एग्जाम में क्या-क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में ए बी सी डी ई एफ सेक्शंस हैं। ए में 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन ए में आते हैं, और जो मार्क्स अलॉट हो रहे हैं 1 to 20 तक नंबर्स में, वो मार्क्स हैं 1 मार्क पर क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स आप यहाँ इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं वो है 20। देखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये 20 मार्क्स क्वेश्चन स्कोर करना है तो आपको हर एक जो पैसेज, पैराग्राफ या चैप्टर, वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ कर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी सेक्शन आता है 21 to 23, ठीक है, तो उसमें मार्क्स अलॉटेड पर क्वेश्चंस है वो 2 हैं। तो इसमें ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेशन हो सकते हैं, या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन भी कंबाइन हो सकते हैं। तो इसमें आपको 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो आप ज़्यादा आप कॉन्सेंट, मतलब ज़्यादा आपको स्कोरिंग 1 to 20 वाला हो जाएगा, जिसमें लिखना भी कम होएगा, लेकिन उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और 24 से लेकर 27 तक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स दे सकते हैं, और 28 से 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 5 मार्क्स के हैं, और उसमें आपको 15 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। तो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, काफ़ी कुछ वो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, और वो आप अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ सकते हैं। अब जो ई वाला जो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कभी कभी ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, ये 5 मार्क का होता है। और 32 से लेकर 34 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें अंतर इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। अब सोशियोलॉजी में आते हैं। सोशियोलॉजी में जो 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में, वो 1 मार्क के होंगे। फिर से वही बात कि आपको फिर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आपको फुल 20 मार्क्स आसानी से स्कोर हो सकते हैं। अगर सोशियोलॉजी में अगर आप देखें तो 33 मार्क्स लाने के लिए आपको 23 मार्क्स ही लाने हैं, तो आप अगर 1 to 20 मार्क्स ही कर दे रहे हैं तो 20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जा रहे हैं। और बी सेक्शन में 21 से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 2-2 मार्क के हैं, उसमें आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। और 30 से लेकर 35 के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के हैं, उसमें आपको 24 मार्क्स मिल सकते हैं। और 36 से लेकर जो 38 तक हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। जो सी एंड डी सेक्शन है वो प्रेडिक्टेबल हो सकता है, और उसमें आपको स्कोर करना भी आसान हो सकता है। अब हम आते हैं हिस्ट्री पैटर्न में। हिस्ट्री पैटर्न में फिर से वही बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्टडी पर गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रही है, इसलिए इसमें भी 1 से लेकर जो 20 क्वेश्चन हैं वो 20 मार्क्स के हैं, और 21 से लेकर जो 24 तक के हैं वो 3-3 मार्क के हैं, और 25 से लेकर 27 तक का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें वो 8-8 मार्क्स के हैं, और 28 से लेकर 30 तक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री का सिलेबस का, क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको जो आपको 18 मार्क्स ला सकता है। और जो 31st क्वेश्चन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 6 मार्क्स का हो सकता है। तो अगर आपको 6 मार्क्स का और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वही आपने मिला लिया, तो आपको 18, 19, 20, 21, 24 मार्क्स तो आपको यहीं पे ही आसानी से मिल जाने हैं। और इंग्लिश कोर में आ जाए तो इंग्लिश कोर में कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे। पहला वाला कॉम्प्रिहेंशन 12 मार्क का होएगा, और दूसरा वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 8 मार्क का होएगा। और बी सेक्शन में राइटिंग स्किल्स आपके देखे जाएंगे, राइटिंग स्किल्स में एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल, डिबेट राइटिंग, वो सब क्वेश्चन 3 to 6 नंबर के हुए, 3 to 6 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन होंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है, और फोर्थ वाला वो 6 मार्क का है, फिफ्थ वाला 10 मार्क का है, और सिक्स्थ वाला वो भी 10 मार्क्स का होएगा। और फिर लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं,
लिटरेचर के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वो चार चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पहले क्वेश्चन में डिवीजन हो सकता है जिसमें कि एक एक मार्क के क्वेश्चन चार चार क्वेश्चंस करके पूछे जा सकते हैं, और फिर उसमें दो दो जो क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क के हैं और दो क्वेश्चंस हैं वो 6 मार्क के हैं। इस तरीके से आपको 80 मार्क्स आपको इसमें मिल सकते हैं, और बाकी जितने भी जो हर सब्जेक्ट में इस बार 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया जाएगा। तो ध्यान से जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, जो जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। 20 मार्क्स तो फिर आपके कहीं नहीं गए, लेकिन बस याद रखिए कि इसमें चाहे 20 मार्क्स जो कि इंटरनल असेसमेंट है या फिर उसमें एग्जामिनर भी आ सकता है, ये डिसाइड होना भी बाकी है। उनमें से जो भी केस होएगा तो उसमें आप तो उसमें और आपको थ्योरी में अलग अलग आपको मार्क्स 33% मिनिमम लाने पड़ेंगे।